खत्म नहीं हो रहा है मेरे काम का भार, कल है करवा चौथ का त्योहार और आजकल चढ़ा है मुझे कविताएं पढ़ने का बुखार। तो कमर को कस लिया है और बहुत कमेंट आते हैं, दीदी आप ये बेल्ट क्यों बांधते हो? तो मैं बता दूं, ये बेल्ट कमर के दर्द के लिए पहनी जाती है और मेरा ना पिछले साल ही बैक का जो है ऑपरेशन हुआ है, L4-L5 का जो है सर्जरी हुई थी मेरी, और इसलिए मैं ये बेल्ट पहन के रखती हूँ। हालांकि डॉक्टर ने तो रोज का कहा है पर मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए कभी कभी पहन लेती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आते थे इसीलिए मैंने सोचा चलो आज इसका तो आंसर मैं दे ही दूं। या आप यूं भी कह सकते हैं, स्लिप डिस्क जो होती है ना उसका जो बिल्कुल हाई लेवल होता है ना, वो होता है कॉर्डाइक्नोमा सिंड्रोम, जो सर्जरी के बिना काम बन ही नहीं सकता, वो हुई थी मेरी। और वैसे तो मैंने ये सोचा था कल के आज के दिन यानी करवा चौथ से एक दिन पहले मैं पूरा दिन अपने आप को दूंगी, अपने आप को पैम्पर करूंगी, क्योंकि भाई मुझे भी तो करवा चौथ सेलिब्रेट करना है। वीडियोज के चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा था और घर का काम, दिवाली की सफाई, लेकिन फिर भी अपनी आदत से मजबूर हूं ना, सुबह सुबह मैं ये पर्दों का काम लेके बैठ गई थी कि चलो ये पर्दे कर दूं। पहले करने लगी तो सोचा ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मैंने जुगाड़ निकाला, एक तरफ से जो है हस्बैंड को पकड़ा दिया था और देखिए इस तरह से ना नीचे की तरफ से प्लीट्स बनाई और मैंने इसमें जो है जो हमारा साड़ी में लगाने वाला पिन होता है ना वो लगा लिया। आप चाहे तो जो कपड़े सुखाने वाली पिन आती है वो भी लगा सकते हैं पर मेरे पास वो नहीं है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिए ना पहले और एक एक करके रख लिए, तो बहुत काम आसान हो गया था। यूं लगा लीजिए मतलब मेरा घंटे का काम जो है मिनटों में खत्म हो गया था, वरना वैसे एक एक कपड़ा प्रेस करते करते मैं प्रेस करती ना एक एक पर्दा तो बहुत टाइम लगता। देखिए पहले मैंने इस तरह से तह कर लिए थे और अब बस प्रेस गर्म करके तेज और इनके ऊपर मैंने फेर दिया और बहुत ही जल्दी हो गया था। तो आप भी ये हैक अपना सकते हैं, इस तरह से प्रेस कीजिएगा तो आपका काम जल्दी बन सकता है। बाकी भैया मुझे तो बीमारी है हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की कि भैया मैं कर लूंगी, पता नहीं कितना अच्छा कोई और तो कर ही नहीं सकता, और ये गंदी आदत है। मेरे बच्चे हस्बैंड बहुत दुखी हैं और अब तो मैं भी दुखी हूँ इस आदत से, फिर ना दूसरों के हाथ का काम समझ ही नहीं आता है। और यहाँ पे सब कुछ तय वगैरह हो गए थे, पर्दे हो जल्दी गए थे, हाँ ये जरूर है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ नाप रही थी क्योंकि ना थोड़े छोटे बड़े हैं विंडो के और गेट के हिसाब से, बस वही सब काम कर रही थी। फिर एक एक करके सारे कर्टन मैंने टांग दिए, और हालांकि जरूरी नहीं थे, करवा चौथ पहले जरूरी है, लेकिन पता है अगर ये नहीं करूंगी ना मैं तो मेरे दिमाग पे यही प्रेशर रहेगा, हाय राम अभी पर्दे पड़े हैं, क्योंकि अभी भी ना तह होने के लिए बहुत सारे कपड़े रखे हैं। पर फिर भी ये पर्दों का काम निमट गया ना, कर्टन का काम हो गया, तो मेरा आधा प्रेशर रिलीज हो गया। अब जो भी करूंगी ना तसल्ली से करूंगी, यूं दिमाग नहीं दौड़ेगा उधर का भी उधर का भी। तो यहाँ पे मैंने कर्टन वगैरह सारे लगा दिए थे और बहुत अच्छा हैक लगा मुझे तो ये ना पिन वाला, टांगते समय भी आसानी हो गई, लंबे छोटे बड़े नापने में भी इजी रहा। तो जल्दी से फटाफट मैंने सारे कर्टन्स हर कमरे के लगा दिए, काम तो मेरा कंप्लीट हो गया है। वैसे तो मुझे नए कर्टन लेके आने हैं तो देखूंगी, दिवाली पे आ गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो भैया इतना तो मैंने काम चला ही दिया है। उसके बाद मैंने सोचा चलो एक कप कॉफी पी जाए पहले तसल्ली से बैठ के, और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास का। एक कप कॉफी पीते पीते मैंने एडिटिंग करी और वीडियोस डाल दी थी थोड़ी सी। तो कल करवा चौथ है और अभी टाइम हुआ है 1:15 बजे के आसपास का, थोपड़े पे मेरे 12 बजे हुए हैं, मेहंदी नहीं लगी है, कुछ भी नहीं हुआ है और काम खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है। और मुझे लगता है मैं ही एक दुनिया में इकलौती ऐसी हूँ है ना जिसका काम कभी होता ही नहीं है, लास्ट मोमेंट पे मेरी सारी चीज होने वाली है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें फॉल लगाऊं, लगवाने भेजूं, सिलाई की फिटिंग करूं, करवाने भेजूं तो किसके पास भेजूं, कोई कर देगा अर्जेंट में, हश सब कुछ अपने हाथ से करने का भी तो कीड़ा है ना, मुझे मुझको वो भी तो है ना कि नहीं खुद करना है सब कुछ, मुझे खुद करना है। हश थोड़ा सा विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। वीडियो मैंने अभी अभी जो है अपलोड कर दी है आज की, बस वीडियोस तो जैसी जा रही है राम भरोसे ही जा रही है। तो अब सबसे पहले मैं अपना थोपड़ा चमका लेती हूँ क्योंकि भाई ये भी बहुत जरूरी है, साल में एक दिन तो हम चमका चमकी करते हैं तो वो भी नहीं करेंगे। तो यहां मैं तैयार हो रही हूँ अपने थोपड़े को चमकाने के लिए, चमका किससे जो दिखा देती हूँ आपको। ये पानी में मैंने टावल डिप करके ले लिया है और ये मैंने लिया है उबटन, ये है मेरा स्क्रब, और ये सब चीजों का मैं आपको लिंक दे ही चुकी हूँ। मैं मार्केट से फेशियल नहीं करवाती, मैं पार्लर से फेशियल नहीं कराती, मैं घर पे ही करती हूँ और साल में सिर्फ एक ही बार करती हूँ, वो भी करवा चौथ वाले दिन, बाकी दिन मैं बहुत लेजी हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। और ये शीट मास्क अगर आप देखोगे ना कम से कम 2-3 मेरे ख्याल से 6 महीने पहले लाई थी मैं ये, आज तक ये ओपन भी नहीं हुआ, और मेरी फ्रेंड लाई थी ना उसने कर कुरा के यूज फेंक फूक भी दिया और मेरा ये आज करवा चौथ पे निकलेगा। हाँ डेट तो एक्सपायर नहीं हुई थैंक गॉड इसकी, वरना पता चलता डेट भी एक्सपायर हो चुकी है। तो चलो इसको जल्दी से यूज कर लेते हैं।
और जैसे ही मैंने करना शुरू करा अपना क्लीनअप, सिस्टर का वीडियो कॉल आ गया था, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं, और मुझे देख के वो बोली चल मैं भी शुरू कर लेती हूँ। तो दोनों सिस्टर ने यहाँ पे जो है वीडियो कॉल करते करते एक दूसरे ने अपना अपना क्लीनअप कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा ये जो मैंने मंगवाया है चलो इसे भी यूज करके देखा जाए, तो थोड़ी सी मैंने इसे मसाज करी, तो मसाज करने के बाद अच्छा तो फील हो रहा था, बाकी रिजल्ट देखते हैं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये गुआशा वगैरह मैंने मंगाया था ना, तो इसको मैंने यूज करना शुरू कर दिया है, आपके साथ भी शेयर करूंगी। और मैंने फिर उसके बाद ये उपटन लगा लिया, और ये प्रोडक्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं पहले, गुंजन्स बियॉन्ड ब्यूटी करके है इनका इंस्टाग्राम पेज, आप वहां से जाके ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को आने का टाइम होने ही वाला था, तो जल्दी से रोटी बना दी, और सब्जी मैंने सुबह बना दी थी, पनीर की भुर्जी वही रखी है तो वही खा लेंगे फटाफट रोटी से की। इतने में मेरा पैक भी सूख गया था, तो चलिए इसे अच्छे से ना रब करते करते हम इसे क्लीन कर लेते हैं। और वैसे तो मुझे पार्लर जाना था थ्रेडिंग कराने के लिए, लेकिन अब टाइम ही नहीं है, और मुझे लगता है अभी जाऊंगी ना तो कम से कम एक डेढ़ घंटा खराब होना है, क्योंकि आज तो बहुत भीड़ होगी, तो मैंने सोचा चलो घर पे ही थ्रेडिंग कर लेते हैं। जब कभी नहीं जा पाती हूँ ना और एक्स्ट्रा होते हैं तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ घर पे ही, तो यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग भी कर ली है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से करेंगे पेडी क्योर, तो मैं जल्दी से तो भाई मैंने तो कभी नहीं यूज करी ये शीट मास्क, ये शीट मास्क मैं पहली बार यूज कर रही हूँ। तो भैया हमने ये लगा लिया है, आपको क्या लगा काम खत्म हो गया? अभी कहा ब्लाउज। और इस सिलाई मशीन के लिए मेरे पास इतने कमेंट आते हैं बहुत ज्यादा कि दीदी बता दो आपने ये सिलाई मशीन कहाँ से ली, कौन सी है, कितने की ली, किस कंपनी की है। तो मैं बता देती हूँ आपको, ये है उषा की जेनोमी, उषा कंपनी की है ये, जेनोमी करके आती है ये वाली, और ये ना इससे चलती है, ये इसका फुट है, इलेक्ट्रिक है ये, इन्वर्टर पे भी चल जाती है। और मैंने 7-8 साल पहले ली थी, तब आई थी ये 7500 रुपए की, 7500 की। और अभी मेरी नंद ने ली है एक ने, वो बता रही थी कि अब इसके प्राइस बढ़ गए हैं, जब मैंने ली थी तब ये 7500 की थी, 7-8 साल पहले, अब कितने की हो गई मुझे नहीं पता है। और इसमें ना ये अलग अलग डिजाइन के जो जैसे उसमें नीचे पोचों पे लगाते ना अलग अलग डिजाइन, तो वो वाले इधर बहुत सुंदर सुंदर बन जाते हैं उसके लिए है। और यहाँ पे बल्ब भी था, और पर ना वो बहुत ज्यादा हीट कर देता था, थोड़ी देर बाद ही गर्म सा हो जाता था, तो मैंने वो निकलवा दिया था शुरू में ही, रखा है, खराब तो नहीं है पर रखा है अभी भी। और मैं इसमें इंटरलॉक कर लेती हूँ, कार्ड हो जाते हैं इसमें, और आप इसमें जो है अच्छे और क्या कर सकते हो, पिको, हाँ पिको कर सकते हो इसमें आप, मतलब काफी यूजफुल है। और मुझे लगता है जितने की मैंने ली थी उतने तो मैंने इससे कपड़े सिल के और पिको करके पैसे वसूल भी कर लिए होंगे, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मतलब मैंने इसकी जो दो सर्विस इसके साथ मिली थी ना उसमें से भी शायद सिर्फ एक ही करवाई थी, दूसरी बार मैंने भैया को बुलाया ही नहीं, 2 साल के अंदर बुलाना था, शायद 1 साल के अंदर बुलाना था, जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने बुलाया नहीं, और तब से अब तक टच वुड बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है। तो अगर आप चाह रहे हैं ऐसी लेना तो चाहिए, जल्दी से ले लीजिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ आप क्या कर रही हूँ, तो भैया मुंह चमका लिया, आप पहनने का भी करते हैं जुगाड़, तो जो मैंने सोचा था वो तो बन पाया नहीं, आधे में ही पड़ा है लटका हुआ ब्लाउज, लेकिन हाँ मेरा एक और ब्लाउज है रेडीमेड, वो वाला मेरे को ना फिटिंग करना है, ढीला है थोड़ा सा, तो वो फिटिंग कर रही हूँ जल्दी से। देखिए ये है मेरा ब्लाउज, ब्लाउज तो बहुत सुंदर है और कंफर्टेबल भी है, हालांकि रेडीमेड ब्लाउज मुझे कम समझ में आता है, पर ये वाला मुझे जब मैंने पहन के देखा था तो ठीक लगा था, बस लूज है, फिटिंग की जरूरत है थोड़ी सी। तो ये देखिए ये है इस तरह का क्रीम कलर का व्हाइट से शेड का ये ब्लाउज है, और इस पर ये देखिए मल्टी कलर का काम है, स्काई ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, पीच और गोल्डन, काफी सारे कलर हैं इसमें इस तरह से। और ये ऊपर तक आगे का नेक है, बोट नेक टाइप का, और ये है पीछे का नेक, नेक तो काफी अच्छा है, बड़ा है, पर मुझे ना ये डोरियां पसंद नहीं थी, मैंने सोचा था इन्हें ना हटवा के और अच्छी सी कोई डोरी लगवा लूंगी, पर ना तो अभी हटवाने का टाइम है और ना ही डोरी है, ना ही डोरी लगाने का टाइम है, तो बस अभी तो इस पे मैं निशान लगा के जल्दी से फिटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको फिर से देखूंगी कभी कुछ करूंगी तो। और ये देखिए नीचे ना इसमें आगे की तरफ ये फ्रिल लगी हुई है, बस आगे की तरफ है येलो कलर की, पीछे की तरफ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दी पीछे की तरफ, सिर्फ आगे क्यों दिया, और आगे की तरफ के लिए पाइपिंग नहीं है, तो मैं सोचू या तो इसे इस तरह से फोल्ड कर दूंगी तो भी ठीक है। तो देखती हूँ कितना इसमें फिटिंग के लिए मार्जिन वार्जिन क्या कैसे है, एक बार डाल के देखती हूँ, जल्दी से इसे फिटिंग करती हूँ फिर फॉल लगाऊंगी। और हाँ ये मैंने ऑफलाइन ली थी, ऑनलाइन नहीं ली थी, क्योंकि फिर सब लोग बोलेंगे दीदी लिंक दे दो, तो ये ऑफलाइन ली है लोकल मार्केट से, गुड़गांव सदर बाजार से। चलो रख के आते हैं, देख लो मेरे काम ऐसे ही है, मैंने ब्लाउज को वो करा है
और ये साड़ी के अंदर का भी तो ये पल्ला तो रखना था, मतलब सिलाई मारनी थी, ये रह गया, तुम्हारा रखूंगी। रोटी बनाने चलो और आटा गूंदा गूंदाया मिल जाए, कपड़े सिलने चलो और सिलाई मशीन में अगर आपकी मैचिंग का रील मिल जाए, या फिर अगर हाथ की सुई का काम कर रहे हो तो उसमें धागा पिरा पिराया यानी कि पहले से पिरा हुआ मिल जाए, तो ऐसा लगता है कि वाह किस्मत हो तो ऐसी हो। ताकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये करने में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत तसल्ली मिलती है, पता है ये सही कहा या नहीं। तो आज मुझे भी मैचिंग का ग्रीन धागा मिल गया है, क्योंकि मेरी सासू माँ कहती है कि कभी भी ना जिस साड़ी का पल्ला ना तुरपा उसे नहीं पहनना चाहिए। तो भैया मानते हैं बड़ों की बात और इसे तुरप लेते हैं, उससे पहले मुझे इसे काटना भी पड़ेगा। तो चलिए साड़ी दिखाती हूँ आपको, आप भी कहोगे इतनी देर से दिखा रही है सब कुछ और साड़ी दिखाएंगे। तो कपड़ा ये मैं कौन सा कहूँ, टिश्यू का कहूँ कैसा कहूँ, शाइनिंग वाला कपड़ा नहीं होता ये देखिए, खरखर वाला खड़ा खड़ा वो वाला कपड़ा है, ये टिश्यू है शायद, ऑर्गेंजा टिश्यू, ऑर्गेंजा तो नहीं है पर हाँ उसके जैसा सा ये टिश्यू टिश्यू का सा कपड़ा, और काही ग्रीन, बिल्कुल गहरा ग्रीन जो बिल्कुल ब्लैक की टक्कर का ग्रीन होता है वो वाला ग्रीन कलर है ये। इस तरह की ये साड़ी है, साड़ी पे ये देखिए इस तरह का ये बॉर्डर दिया हुआ है जिसमें कि व्हाइट कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी हो रही है, और पीछे ना कपड़े में ही ओम्ब्रे शेड है, पिंक पर्पल ऐसे करके थोड़ा सा ये देखिए इस तरह का शेड है, और जो थ्रेड वर्क हो रहा है ना एम्ब्रॉयडरी हो रही है उसी में तिल्ला है, सीक्वेंस का तिल्ला लगा हुआ है, यानी कि शाइनिंग शाइनिंग के छोटे छोटे से ना, नहीं तिल्ला नहीं है, छोटे छोटे सीक्वेंस ही है, जीरो नंबर वाले जो होते हैं ना वही वाले हैं ये देखिए, आई होप आपको पास से दिख जाएंगे। सेम ऐसे ही फूल पूरी साड़ी में बीच बीच में बने हुए हैं, और सेम उन्हीं सीक्वेंस से इस तरह की छड़ी बनी हुई है पूरी साड़ी में। ब्लाउज मैंने आपको इसका दिखाई दिया, जो इसकी मेन लुक है वो इसके ब्लाउज से ही है, जब ब्लाउज हैवी होता है तो साड़ी थोड़ी सी सिंपल प्लेन होती है, हालांकि इसमें फिर भी बहुत वर्क है, और जब साड़ी बहुत हैवी होती है तो ब्लाउज थोड़ा सा सटल होता है, लाइट होता है। ये देखिए ये इस तरह की शाइनिंग आ रही है, ये देखिए कैसे शाइन शाइन कर रही है ना, तो साड़ी काफी अच्छी लगी मुझे। और ये साड़ी हस्बैंड ने नहीं दिलाई है, क्योंकि मैं कभी भी करवा चौथ पे अपने हस्बैंड से साड़ी नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं करवा चौथ पे कभी भी साड़ी वाड़ी नहीं खरीदती हूँ कुछ भी, कभी बाई चांस 100 में से दो बार वो ले आए तो बात अलग है, जैसे लास्ट ईयर वो लेके आ गए थे सरप्राइज तो मैंने तैयार कर ली थी, अदरवाइज मैं खरीदती नहीं हूँ। मैं मोस्टली 98% जो साड़ी पहनती हूँ वो पहनती हूँ जो मेरी मम्मी ने मुझे रक्षाबंधन पे दी होती है, मोस्टली वही साड़ी पहनती हूँ, या फिर जो मतलब पहले से रखी होती है मेरे पास वही, मैं स्पेशली नहीं खरीदती हूँ। और इस बार भी मैं वही पहनने वाली थी जो मेरी मम्मी ने मुझे रक्षाबंधन पे दी है, पर उसका ब्लाउज नहीं सिला है, तो अभी बहन के घर पे गृह प्रवेश हुआ था, आपने देखा था उनके नए घर का जो पूजन हुआ था, तो तब मेरी सिस्टर ने ये साड़ी मुझे गिफ्ट की थी, उसने मुझे शॉप पे जाके पसंद करवा के दिलवाई है, तो तब उसने ये दी थी, तो इसका ब्लाउज सिला हुआ था ना, तो फिर मैं इसीलिए भी अपने ब्लाउज को सिलने में ना ज्यादा हपड़ तपड़ नहीं मचाई कि अगर नहीं सिला तो सेकेंड ऑप्शन में मेरे पास ये है, और अब ये सेकेंड ऑप्शन प्लान बी जो है प्लान ए बन चुका है, ये सेकेंड ऑप्शन ही फाइनल ऑप्शन हो चुका है, क्योंकि भैया कहते हैं ना कि जब हमारे पास दूसरा रास्ता होता है ना तो हम पहले को प्रायोरिटी नहीं देते, इसीलिए मैं अपनी बेटी को भी यही बोलती हूँ और मैं अपनी लाइफ में यही सोच के चलती हूँ कि ऑप्शन बी के जो चांस है ना कम रखने चाहिए, हमेशा आपको प्लान ए ही रखना चाहिए और एक ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आप एक रखते हैं ना तो आप कैसे भी करके उसे कंप्लीट करते ही करते हैं। अब जैसे मेरे पास प्लान बी था तो मैंने ए पे इतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ ए होता तो मैं पहले वही कंप्लीट करती। हो रहे हैं शाम के बज रहे हैं 4:15, और अब फटाफट से मैं नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद मैं मेहंदी वगैरह लगाऊंगी, खाना वगैरह बनाऊंगी। 5 बज चुके हैं, हम नहा कर आ गए हैं, फटाफट से कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लिया जाए। और आज था ट्यूसडे, और ट्यूसडे का मेरे हस्बैंड फास्ट रखते हैं तो उन्होंने बोला खीर चूरमा बना दो, तो वही मैं यहाँ बना रही हूँ, फटाफट से मैंने चूरमा बनाया, खीर बन रही है, काम खत्म हो चुका है, और इतने में ही मेरी साड़ी भी आ चुकी है। फाइनली ना फोन लगाने के लिए कोई मिल गया था मुझे तो मैंने भेज दी थी, और अभी भेजी थी मैंने, आधा पौना मतलब 1 घंटा हो गया होगा, और 1 घंटे में फटाफट से मेरी साड़ी आ गई है। अब ये देखती हूँ कि फॉल कैसी लगी है, देख लेती हूँ। चलो काम बन गया जी मेरा, बहुत अजीब लग रही है। राम की पूजा वगैरह कर ली है, तुलसा जी में जोत जोड़ दी है, अब लगा लेते हैं मेहंदी। तो अब मैंने मेहंदी लगानी शुरू कर दी है, मैंने और मतलब हमने मैंने मेहंदी लगवानी शुरू कर दी है, तो पहले पैरों में लगवाऊंगी, सिंपल से लगाऊंगी, और फिर उसके बाद हाथों में लगवाएंगे। एक हाथ में खुद लगाऊं क्या,
तो पहले मैंने सोचा था पैरों में मेहंदी लगवा लूँ, इतने में कुछ खा लूंगी, और लगवाने के चक्कर में इतने जो है थोड़ी वीडियो एडिट करने बैठ गई थी उसके चक्कर में मैं खाना ही भूल गई। और हस्बैंड सामान लेके आए थे कल के लिए कुछ, तो बच्चों ने कुछ अटरम चटरा मंगा लिया था, तो बस एक दो बाइट उसी में से ले ली थी मैंने कुछ। तो मुझे लगता ही है कि मैं करूँ सब कुछ, और अगर मैं कई बार सोचती भी हूँ ना कि नहीं अब मैं नहीं करूँगी, करवा लूँगी, तो भैया मेरी किस्मत कह लीजिए या मतलब क्या कहूँ मैं, घूम फिर के ना वो काम करना मुझे ही पड़ता है। जैसे कि मेहंदी मैंने सोचा था वो लगा देगी, लेकिन उससे ये वाला डिजाइन बना नहीं, तो फिर मुझे ही लगानी पड़ी फाइनली। दिखाना मेहंदी, दिखाना अपनी, और उसका भी मेन पार्ट है आपके बाद। ये देखिए मेहंदी मेरी लग चुकी है, तो ये देखिए आपको ऐसे दिखेगी। ये मैंने जो है अपने आप को बनाया है करवा चौथ की पूजा करते हुए, ये देखिए इस तरह से। हालांकि हम लोग इस तरह से छलनी से करते नहीं है, लेकिन आजकल ये डिजाइन जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है करवा चौथ स्पेशल, तो ये मैंने बनाया है। और ये जो वो लड़की आई थी उसने लगाई है मेहंदी ये वाली, और पीछे ये वाली लगाई है, और इसमें मैं ये मेरा सदाबहार डिजाइन काफी अच्छा लगता है मुझे ना, ये रचने के बाद बहुत सुंदर लगता है हाथों में। तो ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लगी है। और चूड़ी देखिए ये वाली है वेलवेट की, ग्रीन कलर की मैचिंग की, और कड़े लिए हैं ये लाख के, तो मेरी सासू माई लेके आई थी एक ग्रीन कलर डार्क और येल्लो, और इसके साथ एक और था येल्लो रेड, वो मेरा साइज छोटा था मैंने चेंज करा दिया। तो ये वाली चूड़ी वैसे मेरी पिछले साल की है, पर अभी यहाँ ना मिली ही नहीं इस तरह की चूड़ी और इस कलर की मिली ही नहीं पूरी मार्केट में, मैंने लड़का भेज के पूछवा लिया था, तो अब ये चूड़ी तो मेरी पिछले बार वाली चल जाएगी। कड़े वगैरह मैंने डाली हैं क्योंकि कल है बुधवार, और बुधवार को नई चूड़ी कड़े नहीं पहनते हैं। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से, बाय बाय।